मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अक्सर हम देखते हैं कि अपने बयानों से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़े करते हैं, चाहे वह बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के साथ जुबानी जंग हो या फिर बीजेपी के किसी भी नेता के साथ दो दो हाथ। दिग्विजय सिंह हमेशा ही मध्य प्रदेश की राजनीति में केंद्र का बिंदु बने रहते हैं। अक्सर विरोधियों को नसीहत देने वाले दिग्विजय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह गुना में प्रचार करते समय अपने ही बेटे जयवर्धन सिंह को नसीहत दे डाली। दरअसल कांग्रेस से रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह को दिग्विजय सिंह ने भरे मन से ही नसीहत देते हुए कहा कि बाबा साहब, गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, गुस्से से इंसान अपना रास्ता भटक जाता है। आप खुद देखें दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। और सद्बुद्धि से काम करें, लेकिन एक बात है, गुस्सा व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बुधवार को गुना पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, फिर उन्होंने संवाददाताओं से एक अनौपचारिक चर्चा भी की। उसी समय मंच को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने यह बयान देकर बहुत कुछ कह डाला। इस बयान के बाद राजनीति में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उनके जयवर्धन के गुस्से से दिग्विजय सिंह या उनकी पार्टी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। बता दें कि दिग्गी हर समय अपने बेटे जयवर्धन सिंह पर नजर रखते हैं। वह कहीं भी आंदोलन कर दिग्गी की प्रतिक्रिया अपने बेटे जयवर्धन के लिए जरूर आती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया देती है।